कोलकाता में असम की रहने वाली एक महिला ने अपने दोस्त पर कई दिनों तक रेप का आरोप लगाया है। आरोपी से महिला की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। एक साल पहले दोनों एक रेस्टोरेंट में मिले, जहां दोनों ने शराब पी, जिसके बाद महिला के नशे में होने का फायदा उठाकर आरोपी ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। महिला के मुताबिक आरोपी ने रेप का वीडियो भी बनाया है, जिसे वो हर बार वायरल करने की धमकी देकर लगातार रेप करता रहा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में रहने वाली एक युवती ने दो लोगों पर रेप का आरोप लगाया है। आरोपों के मुताबिक जब पीड़ित घर पर अकेली थी, तभी दो युवक महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर अपने साथ ले गए और रेप किया। पीड़ित के मुताबिक आरोपियों के साथ एक महिला भी थी। पुलिस ने फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि शुरुआती जांच में महिला से रेप की पुष्टि नहीं हुई है। गाजियाबाद के इंद्रपुरम में 5 साल की बच्ची से गैंगरेप और हत्या के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हालांकि मुख्य आरोपी अभी फरार है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी बच्ची को कोल्ड ड्रिंक का लालच देकर अपने साथ ले गए और गैंगरेप के बाद दोनों ने बच्ची की हत्या कर दी। पुलिस को बच्ची की लाश कनावनी इलाके से मिली थी। यूपी के बदायूं में 8 साल की मासूम ने 14 साल के नाबालिग पर रेप का आरोप लगाया है। परिवार के मुताबिक जब बच्ची बाजार से घर वापस आ रही थी, तभी गांव के ही एक 14 साल के नाबालिग ने उसे घर में बुलाया और उसके साथ रेप किया। पुलिस ने फिलहाल नाबालिग के खिलाफ मामला दर्ज कर बच्ची का मेडिकल कराया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में दो हथियारबंद लुटेरों पर दो महिलाएं भारी पड़ी। सोमवार दिन दहाड़े दो बदमाश SBI की मनी ट्रांसफर ब्रांच में लूट के इरादे से गए। अंदर दाखिल होते ही दोनों ने बैग से पिस्टल निकाल ली और ब्रांच में काम कर रही दोनों महिलाओं को गन पॉइंट पर ले लिया। लेकिन महिलाएं घबराई नहीं और बदमाशों की पिस्टल छीन ली और शोर मचा दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग ब्रांच में आ गए और दोनों बदमाशों को पकड़ लिया। यूपी के चंदौली में बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े आर्टिफिशियल ज्वेलरी कारोबारी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और 17 किलो चांदी लेकर फरार हो गए। कारोबारी बैग में ज्वेलरी लेकर ऑटो से कहीं जा रहा था, तभी बदमाशों ने ऑटो के आगे बाइक रोकी और कारोबारी से बैग छीनने लगे। विरोध करने पर बदमाशों ने कारोबारी को गोली मार दी। फायरिंग में एक महिला भी बुरी तरह घायल हो गई। दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। यूपी के अमरोहा में जमीन विवाद को लेकर बेटे ने रिश्तेदारों की मदद से पिता की हत्या कर दी। 60 साल के राम रतन सिंह के 3 बेटे हैं, लेकिन राम रतन सिंह ने अपनी 150 बीघा जमीन में 2 बेटों को ही हिस्सा दिया था। इसी से नाराज होकर मझले बेटे चमन सिंह ने अपने पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बदायूं में एक महिला की ससुराल में संदिग्ध हालात में मौत हो गई। महिला के परिवार ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। आरोपों के मुताबिक वर्षा के पिता की मौत के बाद उनकी जमीन बेटी के नाम हो गई थी, जिसे वो अपने नाबालिग भाई को बालिग होने पर देना चाहती थी, लेकिन ससुराल वाले उससे जमीन हड़पना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वर्षा की हत्या कर दी। पुलिस आरोपों की जांच कर रही है। यूपी के पीलीभीत में गोली लगने से एक किसान की मौत हो गई। 70 साल के हरि सिंह बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर कुछ सामान लेने गए थे, तभी फायरिंग की आवाज सुनाई दी। आसपास के लोग जब वहां पहुंचे तो हरि सिंह को गोली लगी थी। पुलिस को मौके से अवैध तमंचा भी मिला है। फिलहाल पुलिस दुकानदार नकुल खंडेवाल को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में महज 10 रुपए के लिए एक व्यक्ति ने 9 साल के बच्चे की हत्या कर दी। परिवार वालों के मुताबिक आरोपी ने बच्चे के चेहरे और शरीर के कई अन्य हिस्सों को सिगरेट से दागा और साइकिल के टायर से बुरी तरह पीटा। बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।